शनिवार को इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कलेक्टर ऑफिस की पार्किंग में करीब 3 फीट से भी लंबा सांप लोगों को दिखा। वहीं कलेक्टर ऑफिस में अपनी समस्या लेकर आए लोगों ने जब जहरीले सांप को देखा तो कई लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन सांप इतना फुर्तीला था कि वह कलेक्टर ऑफिस प्रांगण में बने बगीचे में छिप जाता तो कभी कलेक्टर ऑफिस की पार्किंग में खड़े वाहनों में झुकने की कोशिश करता। कलेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा सांप की सूचना आला अधिकारियों को भी दी गई, जिस पर वन विभाग की टीम को सांप पकड़ने के लिए सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग का अमला आने से पहले ही सांप कलेक्टर ऑफिस की पार्किंग से निकलते हुए पास की कॉलोनी में कहीं जाकर छुप गया। गनीमत रही कि लोगों की नज़र उस जहरीले सांप पर पड़ गई और लोग अपने आप को सांप से बचाते हुए सुरक्षित जगह पर चले गए, नहीं तो एक बड़ा हादसा कलेक्टर ऑफिस में हो सकता था। वहीं वन विभाग की टीम कलेक्टर ऑफिस और आसपास के क्षेत्रों में सांप पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। बाहर निकल आई हो देख रहा बच्चे बैठा है।